जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी पर। ओके, चलेगा फटाफट से ये सभी जानकारी प्राप्त आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर किस जिले से फॉर्म अप्लाई करें। अगर हमारे पेरेंट्स दूसरे जिले में रहते हैं, अर्थात हम भी दूसरे जिले में रहते हैं, तो क्या हम जिस जिले में अभी हाल ही में रह रहे हैं उसमें अप्लाई करें, या जहाँ हम रहते थे वहाँ अप्लाई करें? तो ये डाउट क्लियर होगा बेटा। इसके बाद देखिएगा, सर कक्षा 5 पास कर चुके हैं तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या कक्षा 6 में हम जा चुके हैं तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं? ये सभी डाउट आपके क्लियर होंगे और इसके अलावा अदर डाउट भी आपके क्लियर होंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, जितने आपके मन में डाउट होंगे सभी क्लियर होंगे, और अगर कोई डाउट हम नहीं बता पाते तो आपको कमेंट करना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ओके, जरूर कमेंट करके बताना बेटा। चलिए अगर देखते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो इसके लिए हमने संकल्प बैच चलाया है बेटा। कौन सा बैच? संकल्प बैच चलाया है, जिसमें आपको नवोदय के फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, फुल तैयारी कराई जाएगी, जिसमें मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और हिंदी की फुल प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। देखिए क्लास टाइम भी लिखा है कि कब होता है क्लास की टाइमिंग। ओके, यहाँ पर देखिएगा संकल्प बैच कहाँ चल रहा है, तो ये यूट्यूब पर नहीं होता है, ये हमारे डीसी क्लासेस के एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती है बेटा, जहां पर आप लाइव कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डीसी क्लासेस के एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती है। इसके बाद देखिएगा, इसकी जो फीस है मात्र 499 रुपए। ओके, संकल्प बैच की फीस है 499 रुपए, ओनली वन टाइम आपको 499 रुपए पे करना होगा, इसके बाद कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। ये एक साल की, पूरे एक साल की फीस है। ओके, मंथली नहीं है कि 499 रुपए फीस है, मंथली बिल्कुल नहीं है, ये आपके 499 रुपए एक साल की फीस है। ओके, संकल्प बैच में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी इसकी जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर से आप आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप पर JNB2025 लिखकर मैसेज करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। ओके, ये था बेटा आपको बेसिक बेसिक सभी इन्फॉर्मेशन थी संकल्प बैच की। चलिए बात करते हैं, सर जो डाउट है उसे बताइएगा। देखिएगा, सबसे पहले है कि किस जिले से फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे जिले से में रहते हैं तो। सर देखिए, इसका सबसे अच्छा डाउट आपको हम बता दें, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते ही समय आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, मूल निवासी जो आपका होता है सर्टिफिकेट उसे आपको लगता है। ओके, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो होता है ये आपको लगता ही लगता है। तो देखिएगा ध्यान से, जहां आपके माता पिता का मूल निवासी सर्टिफिकेट है, ओके, जहां आपके पिता का मूल निवासी सर्टिफिकेट है, आप उसी जिले से फॉर्म भर सकते हैं, उसके अलावा किसी जिले से फॉर्म नहीं भर सकते। पिता का, जहां आपका पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र जिस जिले में है, ओके, मूल निवास जहां का प्रमाण पत्र बना है वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों सर, हम अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते बेटा। ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होता है तो जिस जिले में आप रहते हैं, देखिएगा आप अदर डिस्ट्रिक्ट से भरोगे, ये है बेटा, देखिएगा आप जिस जिले में रहते हो, ओके, जिस जिले में रहते हो आपका उस डिस्ट्रिक्ट का है, और ये अदर डिस्ट्रिक्ट का। ओके, ये किसका हो गया? अदर डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ देख सकते हो, अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर फॉर्म भरते हो तो आपका जब सिलेक्शन होता है तो वहां आपसे एडमिशन के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पिता का मंगा जाता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो किसका? आपके पिता का मंगा जाता है, अदर डिस्ट्रिक्ट हो या अपने डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों जगह मंगा जाता है। ऐसा नहीं है, एडमिशन के समय आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होता है, और वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का निकलता है, आपके जो पिता है अगर जैसे दूसरी जगह रहते हैं, ओके, अदर जगह रहते हैं, तो वहां आप देखिए फॉर्म भर के पास भी हो जाते हैं, और आपके पिता का प्रमाण पत्र जहां रहते हैं, ओके, जहां रहते हैं वहां का मिलता है, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। ओके, तो आपको फॉर्म कहाँ से भरना है इतना ध्यान दीजिएगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट से जहाँ आपके पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको फॉर्म वहीं से अप्लाई करना है। ओके, सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन के समय आपके पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगता है, और आपका जिस जिले में होगा पिता का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर जगह करते हो तो एडमिशन के समय आपका वो मान्य नहीं होगा। ओके, चलेगा, ये डाउट क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट डाउट है सर, हमें ये बताइएगा कक्षा 5 पास हो गए हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, कक्षा 6 में गए हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखिए बेटा सिंपल सा है, अगर आप कक्षा 5 पास हो गए हैं और अभी तक आपने एक भी बार नवोदय का फॉर्म नहीं भरा है, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 में फॉर्म भर चुके हैं फिर डबल से सोचते हैं कि फॉर्म भर दे, इसका फॉर्म सिर्फ एक बार भरा जाता है, दोबारा नहीं भरा जाता है। ओके तो देखिए अगर आपने 5 में फॉर्म नहीं भर पाए है तो कक्षा 6 में चले गए और आप नवोदय में जाना चाहते हैं तो फिर से फॉर्म भर सकते हो। ओके पर एक शर्त रहती है कि आप कक्षा 6 में चले गए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके कक्षा 6 में चले गए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट जो एज क्रिटेरिया देगा, ओके जो एज लिमिट देगा, ओके जो एज लिमिट आपको प्रोस्पेक्टर में देगा, प्रोस्पेक्टस में जो देगा आपका जो होता है नोटिफिकेशन आता है ना, वो देगा जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन देता है प्रोस्पेक्टस, उसमें जो देगा बेटा उसके अंदर एज लिमिट लिखी रहती है। ओके तो देखिएगा 2000, देखिए आपकी एज लिमिट लगभग यही रहेगी इस बार भी, 1 मई से 2013 से लेकर, ओके इसके बीच में अगर 2013 लिखना है बेटा, 2023 लिखा गया है, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ओके इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके यहाँ पर क्या बोले गए हैं सर, अगर 1 मई 2013 को आपका जन्म होता है या इसके बाद इन दोनों के बीच में, मतलब कि 1 मई के बाद 2013 के बाद कभी भी आपका जन्म हुआ हो और 31 जुलाई 2015 से बीच में, दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भले आप कक्षा 6 में हो पर लास्ट ईयर फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे तो कर सकते हो। बस इतनी सी शर्त है बेटा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।